क्वेश्चन ए माइक्रोस्कोप यूज लाइट ऑफ वेवलेंथ 0.1 जीरो पॉइंट वन टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन, डिटरमाइन द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड पोज वेलोसिटी इनवॉल्व ठीक है करोड़ इसका आंसर है जीरो पॉइंट फाइव थ्री टेन एस टू माइनस ट्वेंटी थ्री के जी मीटर पर सेकेंड ठीक है मोमेंटम और फाइव पॉइंट एट टेन एस टू पर सिक्स मीटर पर सेकेंड विल बी अनसर्टिन इन पोजीशन तो, तो कैसे निकालेंगे हाँ पता है एक ही फॉर्मू है डेल्टा एक्स डेल्टा भी ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन फोन फोर पाई होता है ठीक है अच्छा मोमेंटम कैसे निकालते हैं एम इन टू वी तो डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा चेंज इन एम एन वी अच्छा एम कॉन्स्टेंट है कुछ नहीं बोला तो मास कॉन्सटेंट ही मानना है ठीक है एम डेल्टा वी फॉर्मूला बन गया डेल्टा पी इज ग्रेटर इक्वल टू एम डेल्टा वीर एम इज मास इज कॉन्सटेंट माना है मैंने अच्छा लोग फॉमूला याद कर लेते हैं इसके लिए ये फॉर्मूला एक डेल्टा वी में ये फॉर्मूला एम नीचे भाई नहीं हो तो मैं कर लो जब एंड में बहुत कुछ आएगा ना याद नहीं रहेगा कम से कम याद रखो डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर इक्वल टू तो एच अपन फोर पाइव होता है ये याद रखो और बाकी फिर दिमाग लगाओ ठीक है so, सो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर दन इक्वल टू तो एच अपॉन फोर पाव ग्रेटर एन का तो साइन होगा यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू एच अपॉन फोर पाए अच्छा अब सॉल्व करते हैं पहली चीज डेल्टा एक्स कितना है मैंने बताया था कुछ नहीं बोला है तो वेवलेंथ जो है यूज कर रहे हैं लाइट की वही उसकी अनसर्टेनिटी है समझाया था अभी तो डेल्टा एक्स कितना हो गया पॉइंट वन एंगस्ट्रॉम मतलब पॉइंट वन इंटू टेन रेज टू पार माइनस टेन मीटर्स तो डेल्टा पी निकालना है अपन को पहले डेल्टा पी निकाल लेते हैं ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन एच लिख दियाट्स माइनस थर्टी फोर डिवाइडेड बाई फोर पाई यूज वैल्यू पता है अपन को इंटू डेल्टा एक्स ठीक है इसको सॉल्व किया सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री डिवाइड बाई फोर आ गया जीरो पॉइंट फाइव थ्री इंटू टेन टू पार माइनस थर्टी फोर डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्सन इंटू टन एस टू माइनस इलेवन पॉइंट वन टन टू पार माइनस टेन था तो वन इंटू टेन टू पार माइनस इलेवन हो गया सिंपल डेल्टा पी आ गया ये आ गया जीरो पॉइंट फाइव थ्री इंटू टेन टू पार माइनस ट्वेंटी थ्री सॉल्व कर लो आएगा एक ही इक्वेशन है वैल्यू रखना है तो आंसर आएगा बस डरते हैं बच्चे की ये क्या आ गया अनसर्टेटिव अनसर्टेटी कितनी सिंपल चीज़ है तो मैं तो सिंपल ही देखना है समझने की चीजें होती हैं टफ ठीक है tough, इसके अंदर अब डेल्टा वी के लिए ये फॉर्मला यूज़ कर लेता भी निकाला मैंने ठीक है याद भी नहीं करना पड़ा दो सेकंड लगा निकालने में तो मैं अगर थोड़ा सीख जाओगे आगे तो, तो खुद सोचोगे एम डेल्टा वी एम नीचे वी वी आ रहेगा सो so, डेल्टा वी ग्रेटर नॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा एच बाई फोर पा एम एम आएगा यहाँ पर तो एम नाइन पॉइंट वन टेन एस माइनस पार्टी एस आई में रखा है तो आंसर एस आई में तो आएगा इन टू डेल्टा एक्स भी तो आएगा नीचे डेल्टा एक्स तो कितना आ गया अपने पास जीरो पॉइंट जीरो फाइव एट टेन रेज टू पावर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टेन रेज टू माइनस एलेवन डेल्टा एक्स हो गया सॉल्व कर लो डेल्टा वी आ गया जीरो पॉइंट जीरो फाइव एट इंटू टेन रेज टू पावर एट फाइव पॉइंट एट टेन रेज टू पावर सिक्स मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं भैया है। ये बहुत बड़ी वैल्यू है डेल्टा वी की मतलब तुमसे कोई बोले कि क्रिकेट बॉल नहीं है यहाँ पर ठीक है अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं क्रिकेट बॉल समझाने के लिए ठीक है कोई भी चीज है क्रिकेट बॉल है मुझे ये नहीं पता स्पीड या तो वन हो सकती है भाई या कितनी हो सकती है या वन जीरो 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 इसके आसपास हो सकती है समझ में मतलब ऑलमोस्ट टेन लाख हो गया समझ मारा टेन लाख तुम बोलो फिफ्टी लाख फाइव भी आ गए तो या तो वन मीटर पर सेकेंड या फिफ्टी लाख मीटर पर सेकेंड भाई तुम्हें क्या पता है स्पीड के बारे में आई एम वेरी अनसर्टेन अबाउट द स्पीड बिकॉज आई एम सर्टेन अबाउट पोजिशन टेन रेस टू माइनस इलेवन मैं बोल रहा हूँ इतने मुझे पता है इतना डेल्टा एक है इसलिए डेल्टा फिल बढ़ गया बट ये सब होता है छोटे पार्टिकल के लिए क्योंकि एम यहाँ छोटा देख रहे कितना छोटा टेन डेज टू पर माइनस थर्टी इसलिए ऊपर जाके सब उसने बिगाड़ दिया और ये इतना बड़ा वैल्यू आ गई दिस वॉज द कल्परेट मास ये एम नीचे ना जो एम रखा था अपन ने यहाँ दिस वॉज द कल्परेट सो देखते हैं अगर एम बड़ा हो जाए तो क्या करेंगे तो क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिकेट बॉल ऑफ मास 200 हंड्रेड ग्राम्स इज मूविंग विद स्पीड ऑफ थर्टी मीटर पर सेकेंड वी कैन लुक एट द क्रिकेट बॉल विद एन एरर इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव लेंथ ऑफ लाइट यूज दैट इज फाइव थाउजेंड एंगस्ट्रॉन्ग तो अपन फाइव थाउजेंड एंगस्ट्रॉन्ग जो लाइट यूज कर रहे हैं ठीक है उतना अपना अनसर्टिनटी इन क्या हो गया पोजिशन कैलकुलेट द अनसर्टिनटी इन वेलोसिटी ऑफ द क्रिकेट बॉल ट्राई करो ठीक है मैं फिर आंसर बताता हूँ आंसर इज जीरो पॉइंट फाइव थ्री इंटू टेन रेज टू पर माइनस ट्वेंटी सेवन मीटर पर सेकेंड ठीक है कैसे देखो डेल्टा एक्स into डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h 4 फोर होता है अपन को पता है डेल्टा पी को बोल सकते हैं m डेल्टा v, ठीक है m नीचे जाएगा डेल्टा so, x डेल्टा v ग्रेटर देन और इक्वल टू h upon फोर पाई m हो गया अच्छा डेल्टा x कितना बता है बताया मैंने अभी 5 into टेन रेस टू power minus सेवन मीटर्स अच्छा एम कितना हो गया मास जीरो पॉइंट टू के जी दे रखा, है ठीक है इसको रख देते हैं इसके अंदर भाई तो डेल्टा वी आ गया यहां रख देते हैं एच बाईर पाए इंटू एम जीरो पॉइंट टू इंटू डेल्टा एक्स फाइव इंटू टेन रेज टू पाए माइनस सेवन कितना आ गया जीरो पॉइंट फाइव थ्री इंटू टेन रिज टू माइनस ट्वेंटी सेवन मीटर्स पर सेकेंड स्पीड की बात कर रहा है मीटर पर सेकेंड अगर अनसर्टेटी की बात करें तो स्पीड की कितनी हो सकती है मैंने कितना बोला तो थर्टी सो so, या तो थर्टी हो सकती है या कितनी हो सकती है पता है थर्टी प्लस माइनस ठीक है या प्लस की बात करें थर्टी प्लस जीरो पॉइंट थर्टी प्लस जीरो पॉइंट जीरो 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 ज़ीरो कितने जीरो सत्ताईस जीरो फाइव थ्री या तो स्पीड थर्टी है या थर्टी पॉइंट सत्ताईस जीरो फिफ्टी थ्री है क्या अंतर है इस बार ऐसा क्यों क्योंकि हुआ क्योंकि देखो ना ये एम एम काफी बड़ा है रिलेटिवली बड़ा है इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में ऐसे में डेल्टा वी क्या आ रहा है बहुत छोटा आ रहा है बहुत छोटा इतना छोटा है कि फर्क ही नहीं पड़ता इसीलिए कभी नॉर्मल लाइफ में ये सब दिक्कत नहीं आती क्योंकि मासेव हैं चीज़ें रिलेटिव टू तो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स और इस फॉर्मूले के हिसाब से ऐसे केसेस में अनसर्टिन पोजिशन मोमेंटम का कोई पॉइंट नहीं है वी आर सर्टेन अबाउट बोथ समझ में आ रहा है क्योंकि ये एम यहां पर रिलेटिवली बड़ा है सो so अपन बोल सकते हैं नोट वेरी स्मॉल अनसर्टिन फॉर मासिव ऑब्जेक्ट जो मैंने बोला कि अनसर्टेनिटी बहुत छोटी होती है कितनी छोटी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये सब जो है छोटे पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है बड़े में फर्क नहीं पड़ता ये अपन को ध्यान रखना है तो so हम बोल सकते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बिकम्स एप्रिशिएबल ओनली फॉर वेरी स्मॉल पार्टिकल तो छोटे पार्टिकल में ही इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं इट कैन बी अप्रिशिएटेड एंड वी कैन यूज दैट और एल्स इट डू नॉट हैव एनी मीनिंग फॉर लार्ज पार्टिकल्स इन इन आर डेली लाइफ सो इसलिए तुमने छोटे में नहीं पढ़ा था कि तुम बता दिया बेटा हाजिर बागान से डिपेंड सब जगह है ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि छोटे पार्टिकल जब देखोगे तब पता पड़ता है कि ऐसा होता है अब इस पर अगर लाइट टकराएगी तो क्या फर्क पड़ेगा ऐसे इतना मासेव लाइट के हिसाब से लाइट के मोमेंटम फोटोन के मोमेंटम के हिसाब से ठीक है दिस वॉज दिस सिंपल हाईजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो डरना नहीं होता है चीज़ें बड़ी सिंपल होती हैं ठीक है सो so, ये सिंपल है हमारे कोर्स में सिंपल है सवाल ऐसे आएंगे इसके सिवा कुछ नहीं आ सकता ठीक है तो यही करना है दैट्स इट दिस इज हाई अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो ये हो गया बट कोर्स के हिसाब से हो गया अगर तुम्हें सिर्फ मतलब तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ नहीं देखना ठीक है हमें तो नहीं देखना सर तो फिर तुम रुक सकते हो यहां बट मैंने भी बताया था वी स्टिल रिमेन इक्वेशन दैट डेट ये वेव लेंथ मैंने बताया था ना वेव लेंथ ऑफ पार्टिकल्स भाई ये क्या वेव है कौन सी वेव है ये कैसी वेव है अपन को ये पता पड़ेगा पार्टिकल की वेव होती है वही बात कर रहे हैं वेव है भाई ये कैसी वेव है कहाँ का वेव है क्या है इसके बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मतलब बहुत इंटरेस्टिंग मतलब मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ठीक है वो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन अपन देखेंगे क्योंकि आगे वाला जो पार्ट आने वाला है ठीक है विच इज द बिग बॉस ऑफ ऑल द टॉपिक इन एटॉमिक स्ट्रक्चर शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन ठीक है नाम इ समथिंग यू नो एक्साइटिंग है उससे थोड़ा रिलेटेड है ठीक है तो ज्यादा अच्छे से जम्प कर पाएंगे उसमें अगर अपन आगे वाला पार्ट पढ़ लें तो अपन पढ़ेंगे बट दो सो डू नॉट वॉन्ट टू गो इन टू डेप्थ प्लीज यू कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट वीडियो बट आई विल सजेस्ट ठीक है साइंस मेरे वीडियो आए थे अब देख रहा तो तब देखो ज़्यादा अच्छा है जब तुम्हें साइंस में इंटरेस्ट है और तुम सीखना चाहते हो साइंस रेदर दैन जस्ट फॉर एग्जाम्प सो अपन आगे देखेंगे मैंने वो डबल सिल दिया था एक्सपेरिमेंट ऑफ पार्टिकल जरा उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या होता है